पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा श्याम। अरे पिताजी कौन, कैसे? मैं तो तुम्हें इतनी जोर जोर से चला रहा था। हाँ, बोल बोल बोल। अब सुनो, हाँ सारी बातें छोड़ो। हाँ। और मुझे पैसे दो तुम। पैसे? और क्या क्या करेगा पैसों का? क्यों क्यों? अच्छा पिताजी, तुम्हें पता नहीं तैयारी व्यारी कराएंगे। देख ना, ये देख, पुताई छूट रही है इस पैसे। अच्छा, पुताई करानी पिताजी, घर की सफाई करानी है, अच्छा बनाना है हमें अपना घर। अच्छा, अरे हमारी माँ जो है हमारी घर में आई हुई है। अरे हाँ, है? हाँ, फिर आ गई समझ में? आ गई ना पिताजी। हाँ, हाँ। उसके लिए पैसे तो चाहिए होंगे। हाँ, चाहिए। साफ सफाई करानी है, ठीक है, पुताई करानी है, ठीक, पुट्टी करानी है। हाँ, हाँ। पैसे तो पैसे दे रहा हूँ, दो रुपए खड़ा हो लेके आया, अभी ला रहा हूँ पैसे। अरे ला रहा हूँ, लेके आओ लेके आओ। देख बेटा श्याम, मेरी बात सुन। बोलो। देख, शादी का इंतजाम करियो सही से, ठीक है? ओके, ठीक है। और देख, दीवारें सजवाइयो और पहले कराइयो सबसे पहले पेंट, और पेंट पुट्टी कराने के बाद में चिंता बेटा पूरी हवेली चमक जानी चाहिए। चिंता पिता, हाँ एक एक चीज का ध्यान रखियो। ऐसी बात सुन ले, पैसे संभाल के रख ले। बिल्कुल, है ना? और सुन, हाँ मेरा कमरा सजवाइयो बढ़िया करके। चिंता मत करो। हाँ पिताजी, तुम्हारा कमरा ऐसा सजवाऊंगा, फूल लगवा के उस पे, ऊपर से भी फूल, गद्दे पे भी फूल, हर जगह फूल फूल, ब्लडी फूल। क्या बकता है? नहीं पिताजी, पिताजी से ब्लडी फूल? नहीं, तुम्हें नहीं बोला? अच्छा, एक नाम, अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लडी फूल के नाम से एक फूल आता है। ओ, 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 उसका नाम है ब्लडी फूल। क्या बात है, मेरी गाड़ी करिए, दूल्हा बनूंगा ना मैं। तो गाड़ी क्यों सजवा रहे पिताजी? एक बात बताओ, जब हमारी मम्मी हमारे घर में आ गई तो मैं तो बस रसम। नहीं 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 नहीं, बारात जाएगी तुम्हारे पिताजी की है। तो मम्मी को कहाँ भेजोगे मैं? अरे उसके घर भेजेंगे, उनके घर भेज दो उन्हें, हम बारात लेके आएंगे, तुम बारात में चलोगे अपने पिताजी की। क्या बात करते बेटे, सुन। अरे चल ले इधर, आके आके मिला ले बेटा अपने बाप से। देख नागिन वाला डांस करिए, लहरा लहरा। बिल्कुल बिल्कुल, पिताजी की उसमें बिल्कुल चिंता मत करो पिताजी, बढ़िया बाजे होने चाहिए। और कोई, और कोई बुलाया भी था? अरे और भी कौन, कौन? अरे बुलाया अपना छोटा भैया है, चाचा जी आ रहे हैं। अरे क्या ठिकाने, देख तो सही, तो मजा आ जाएगा, बढ़िया। अरे चाचा को तो आने दे, दे। पिताजी सुनो, अब मैं चलता हूँ और ये सारे पैसों को। सुन, अरे सुन तो सही, अरे खाने वालों को भी एडवांस देते जाइए, खाने पकाएंगे पिताजी। बिल्कुल चिंता मत करो, और पकवान बढ़िया बनाइए। बिल्कुल चिंता मत करो, रसगुल्ला ठीक है पिताजी, पूरी और सफेद रसगुल्ला, काला रसगुल्ला, रबड़ी, जलेबी, पूरा तेरी का इंतजाम हो जाएगा। तुम्हारी क्या क्या कह रहा था, तेरे ही होंगी तेरी अम्मा की ससुर के पिताजी। अरे बेटा राम, अरे अरे बस 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 बेटा बस। पिताजी वो ऐसा था, हाँ, कि मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ सोचा है। मेरे लिए? जी। तूने? हाँ भाई, हमारे घर में हमारी नई माँ आने वाली है, तो हाँ, नई माँ के लिए कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा भाई। हमारे पिताजी कैसे लगेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, अच्छे लगेंगे भी या नहीं, हमारे पिताजी के ऊपर क्या अच्छा लगेगा। मैंने आपकी शेरवानी का इंतजाम किया है, और सुनिए पिताजी, पूरे 50,000 की शेरवानी बन गई। क्या बात है, मेरे पिताजी बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे किसी नवाबी रॉयल फैमिली की शादी हो रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे राम, तुझसे बड़ी उम्मीदें थी मुझे। उम्मीदें थी तो पिताजी, बिना पैसों की उम्मीदें लगती नहीं है, तो आप 50,000 रुपये दे देते तो मैं शेरवानी उठा के आपके लिए आता। अच्छा 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 जी। और नहीं, अब और भी तो बात बता, और क्या क्या काम करा रहे हो घर में? घर में कुछ नहीं होगा, सब सारा इंतजाम बाहर, आराम से 3 दिनों की एकदम फर्स्ट क्लास मैरिज रखेंगे, और एकदम गेट टुगेदर होगा, पूरे सारे रिश्तेदार होंगे, और वो जो शादी में मजा आएगा। आपके लिए मैंने 7 दिनों का टूर भी बुक कर दिया है। अच्छा, और हमारे काम हनीमून के नहीं है, उसमें मसूरी। ओहो, मसूरी मसूरी जाएंगे आप पहाड़ों में। क्या बात है बेटा राम, मैं एक मुसीबत में हूँ। बताइए। मुसीबत ये, मैं उसकी वाली से शादी करूँ या तेरी वाली से शादी करूँ? पिताजी मेरी मानिए ना, पैसा आपके पास बहुत है, किसी बात की कमी नहीं है। नहीं, और मुझे तो लगता है कि आप दोनों से शादी कर लीजिए, तुम खुश हो मैं दोनों से कर लो तो? एकदम भाई, हमारे घर में तो दो दो माएँ आएंगी, हमें इससे ज़्यादा लाड़ प्यार और ममता कहाँ मिली। तुम पहली औलाद हो जो खुश हो। ऐसा करिए पिताजी, फुर्ती करिए, खुश हो? हाँ दोनों खुश हैं, जल्दी करिए फुर्ती कीजिए, और जल्दी से जल्दी पैसे लेके आइए। अच्छा, और सुनिए, पैसे तो मैं तुझे अभी यहीं कहीं दे दूँ, यहाँ तो चिंता मत है। हाँ लाओ, ले ये ले। अरे वाह, कितने हैं? पूरे 1,00,000 हैं। 1,00,000? हाँ ठीक है, चलिए
ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी सारा इंतजाम किए देता हूँ और उसके बाद आपका हनीमून मसूरी में। मसूरी में? अरे क्या बात है, अरे मेरी पहली औलाद ऐसी है जो अपने बाप की खुशियों में खुश है, वरना हर औलाद जलती है। भैया भैया, अरे भैया। अरे बेटा। अरे तू बड़ा बढ़िया टाइम पे आया, क्या ठिकाने तेरे। अरे रे और भैया, मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो। हाँ हाँ, और इस उम्र में तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्यों, शर्म की क्या बात है, क्या भगा के लाया हूँ कहीं से? अबे शादी कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, इज्जत के काम है शादी करना। अरे भैया भैया, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी औलाद जवान हो गई, उनकी शादी करनी चाहिए या तुम्हें करनी चाहिए अपनी? अबे उन निठल्लों की। हाँ? अबे 12 बजे सो के उठते हैं, उनकी बगुओं को भी कमा के खिलाऊंगा क्या मैं? भैया लोग वह क्या कहेंगे, पूरे खानदान में थू थू हो रही है, कह रहे हैं देखो बूढ़ा आदमी शादी कर रहा है। उन कमबख्तों की कभी हुई नहीं है ना दूसरी शादी, वो इसलिए थू थू कर रहे हैं। अरे भैया आपको आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? भैया देखो इस उम्र में तुम्हारे बच्चे जवान हैं, उनकी शादी करो यार। कितनी अच्छे मशवरे दे रहे हैं मुझे भैयों की और उनकी। अबे वो कमाते ना धमाते, रात के दिन के 12 बजे तक वो सोते हैं, उन्हें उठाओ तो उठते नहीं, खर्राटे लंबे लंबे लेते हैं। तो इसमें गलती किसकी है, तुम्हारी? अरे तुमने लड़ापे चढ़ा रखा उनको। भैया मेरी बात सुनो, देखो ये शादी अभी रुक जाओ, रुकवा दो, मैं कह रहा हूँ रुकवा दो, और रुक जाओ शादी, रुकवा दूँ और क्या। और तुम्हें पता है तुम शादी करोगे तो समाज क्या थूकेगा तुम्हारे मुँह पे, पूरा समाज। इस तरह की बात कर रहे हो तुम? देख कुमार, तू कुछ भी कह ले, तू कुछ भी कह ले, मैं शादी बिना करे मानूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी आग हो रही है तुम्हारे अंदर भैया। भैया सारा शोले तो देख भड़क रहे, मूछा देख ले तू, मूछे तो देख। ये मूछे कुत्ते ऐसे रख के कोई इंसान ये थोड़ी समझ लेगा? ये शेरों की है, कुत्तों की तो बकवास मत करे भैया, उससे छोटा है। भैया ना होता तो बता देता मैं तुझे। भैया मैं इसलिए आया हूँ, तुमने फोन किया, तुमने ये कह के कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ। भैया ये गलत बात है, अब देखो भाभी इतनी जल्दी चली गई, बच्चों को जवान करा है, बच्चों की उम्र है शादी करने की, और आप शादी कर रहे हो भैया, अच्छी बात थोड़ी है ये। बस भैया मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप शादी करोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसलिए आया हूँ ये शादी रुकवा रहा हूँ, हरगिज शादी नहीं होने दूंगा मैं। हाँ जब तक मेरी जान में जाने मैं शादी नहीं करने दूंगा, समझे? जब तक मेरी जान में जाने मैं शादी करके मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया हाँ देख ले पापा, ये मूछ है जब तक। अरे ये बच्ची कौन है? ये बच्ची है? हाँ ये बच्ची नहीं तुम्हारी भाभी हैं ये। भाभी 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 जी करके बात करिए तो आप इसके साथ के साथ आप कैसे शादी करोगे? हाँ हाँ क्या बात है, अरे लानत तुम्हारी जिंदगी, एक बच्ची की जिंदगी खराब कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे बच्चे की उम्र की है, देखो वो भी इशारे कर रही है इधर। नहीं 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 मैं तो ये कह रही हूँ नहीं। अरे अरे सुनिए आप कहाँ से आई होगी है? अरे ऐसा अपने घर से आई, भाई से बात कर, बड़े बड़े भाई से बात कर। अरे अभी तो संपर्क नहीं है। ये कौन है? ये हाँ ये भी तुम्हारी भाभा जी, ये भी तुम्हारी भाभा। अरे 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 बेटा, अरे 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 छोटा भाई है, ऐसे कैसे? मेरी चक्कर तुझे क्यों आने, चक्कर तो मुझे आने चाहिए, दो को देख आएगा तुम्हें चक्कर। तो शादी कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे दो 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 लड़की की जिंदगी बोले ही जा रहे हैं, कुछ तो बोल। सुनो सारे चार सुनो, इधर सुनो। अरे पिताजी चुप हो जाओ, तुम्हारे दोनों पिताजी बोल रही है, वो पिताजी नहीं बच्चों के पिताजी, बच्चों के पिताजी। अब इधर सुनो, इधर इधर इधर, तुम्हारे हमारे दोनों बच्चों को कोई एतराज नहीं है, वो दोनों खुश हैं, हमारी दो माँ है, एक हम रखेंगे अम्मा, एक हम रखेंगे अम्मा। लगड़ बगे की शक्ल के भैया पहले इनकी सुन लो, बात करूंगा। एक बात बताओ आपको इतनी क्यों एलर्जी हो रही है अगर हम शादी कर रहे हैं तो? एलर्जी हो रही है हमें, ये घर हमारा है, खुशी से कर रहे हैं हम तो, अपनी खुशी से कर रहे हैं। और ये तो शुक्र गुजार करो हम दोनों का, जो ऐसे आदमी को अपना पति माना। तो ऐसे आदमी को क्यों माना अपना पति? माना तोड़ रहा है या जोड़ रहा है, मतलब कहने का है रिश्ता तोड़ रहा है मेरा, क्योंकि वो ऐसा है। तू कहाँ से आया था? एक मिनट वापस इधर आओ, इधर आओ, ले आ गया। अरे इधर आओ, एक मिनट बताओ कैसे आदमी में ऐसा तुमने क्या देखा? अरे इसकी शक्ल देखो, हमने इनके अंदर इंसानियत देखी, इंसानियत अपन देखा, एक अच्छा इंसान देखा, इसलिए शादी कर रहे हैं हम अपनी मर्जी। इंसानियत? अरे ये इंसानियत के नाम पे एक बदनुमा धब्बा है, इसने इंसानियत देखी कहाँ है? इंसानियत के तो साइड से बोला, हमारे सामने हम सुन नहीं पाएंगे, आखिर वो हमारे होने वाले पति हैं। तुम्हारे ये पति हैं? हाँ। ऐसे पति को मैं पत्ती लगा के चाय बना दूंगा। और तुम क्या कहना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। अरे चुप रहो, तुम सुनाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इनमें वो देखा जो आज तक तुम लोगों ने नहीं देखा। क्या नहीं देखा? सुना नहीं सुना।
अब मुझे मत देखे इधर बात। इस आदमी को उल्लू की शक्ल है, तुम कह रहे हो क्या नहीं देखा, क्या देख लिया तुमने इसमें? अरे मैंने तो ऐसी चीजें देखी कि बस मैं तो अब इन्हीं को अपना पति मानती हूँ, आज से और अभी से मान लिया। अब तुम निकल लो जहाँ से आए हो, चले जाओ जा। भैया ये दोनों दौलत के चक्कर में है, ये तुम्हारी दौलत को लूटना ही है। लूट ले, मुझे भी लूट ले। ये क्या कर रहे हो भैया? ये दौलत जो है मेरे भतीजों की है। अब भैया देखो, बाबूजी ने ये दौलत आधी आधी तुम्हें दी, आधी मुझे दी, आधी मैं तो अपनी लेके अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। लेकिन भैया ये बताओ कि इन दोनों को आधी आधी दौलत दे दोगे तो बच्चों को क्या दोगे? अरे उनके लिए हम हैं तो बच्चों के लिए अम्मा है तो सही। हाँ, जब अम्मा का माल तो बेटे का माल, और बेटे का माल तो अम्मा का माल, बीच में मजे लेंगे। और वैसे भी बच्चों को बीच में ही है। कुंदन लाल मेरी बात सुन रहे, देखो इस घर में कोई शादी वादी नहीं हो रही, आप लोग जहाँ से आए हो चले जाओ। अच्छा सुनो, जहाँ से तुम आए हो तुम निकल जाओ, चलो। ये घर मेरा है और ये घर मेरे पति का है, हमारे होने वाले पति का। बस भैया यही दिन देखने के लिए क्या हम भैया बने थे? आपके लिए मैंने खाना बना के रखा है, आप जाइए और आप वो खाइए, चलिए। आपके लिए आपके रूम में बिस्तर लगा के रख दिया है मैंने, आप जाइए 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 आप आराम। भैया मगर इनकी इसकी बातों में मताना नहीं मेरा भाई, बहुत खतरनाक है। नहीं और तू भी ऐसा कर, जहाँ से आया वहीं चला जा। तू भैया इधर जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चल ठीक है मैं जा रहा हूँ। मगर देख सुन, तू अपनी ड्यूटी पे चला जा। हाँ। तू काम खराब करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अरे जाओ तुम लोग। अरे ठीक है। हाँ। एक बात बताओ आप लोग, अब हमसे बात करो। हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ। ये बताओ तुम लोग ऐसा क्या देगा उन्होंने जो? हाँ अब समझ में आया, रोकड़ा दौलत दौलत। देखो ये दौलत है ना मेरे भतीजों की है, और दोनों भतीजे मेरे इतने नालायक हैं लेकिन लायक भी हैं, उनकी दौलत है समझे। और उनकी दौलत में से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला मैं तुम लोगों को। अगर तुम किसी और को ना बताओ तो हम बता सकते हैं। हाँ। किसी और को ना बताओ, किसी और को नहीं, अपने भाई को मत बताना बस। अरे क्या नहीं बताना अपने भाई को? ठीक है आप ही बताओ दीदी। मैं बताती हूँ। बताओ। हम दोनों आपके उनसे बच्चों से हम प्यार करते हैं, हम दोनों। हाँ। उनकी प्रेमिका हैं। हम उनकी कोई मावा नहीं है। हाँ। उनकी गर्लफ्रेंड। और इनके बाप को ठिकाने अकल ठिकाने लगाने के चक्कर में हम नकली माँ बने हैं, क्योंकि भारवादी आती तो पैसा बांध के पूरा बर्बाद करके चली जाती। माय गॉड, हम कोई धोखा नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम घर बचा रहे हैं, उल्टा हम प्रॉपर्टी को सेव कर रहे हैं। और हम तो खुद इतने पैसे वाले घर से बिलोंग करते हैं, हमें इस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत। हम कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ। साथ में हम अच्छे दोस्त भी हैं। अरे मेरी बात तो सुनो महारानी हो। बोलो। साले एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं तो समझता था मेरे भतीजे दोनों साले निकट्टू हैं, वे एक नंबर के चालू निकले। दो दो माल घर में लिया है, मतलब दो दो बहुएं घर में लिया है। हाँ बहुएं घर में लिया है। हाँ तुम्हारा नाम क्या है बसंती? क्या मतलब तुम्हारा क्या नाम है बेटी? अरे तुम मेरे चचिया ससुर लगते हो। हाँ तो बेटी कह रहा हूँ। बेटा एक बात बताओ, तुम किससे प्यार करती हो दोनों निकट्टुओं में से? राम से। राम? राम भगवान जी से? अच्छा मेरे भतीजा राम। वो निकट्टू एक नंबर का, लेकिन नाम इतना भला रख के। चलो कुछ तो अच्छा है कि उसने कुछ जिंदगी में अच्छा काम किया, तुम जैसी लड़की से शादी करके वो जिंदगी में खुश रहेगा। और तुम शाम की हैं? जी। है वाह कितनी बढ़िया बात है। देखो ये होती है आजकल की बहू, अपने ससुर को जो है सबक सिखाने के लिए घर के अंदर आ गई। कहाँ है वो उल्लू के पट्टे? आज तो मैं उनकी दोनों की क्लास लगाऊंगा। वो क्या है कि हमारे लिए कुछ बाहर से खरीदने गए। अच्छा। अच्छा बेटा एक काम करो। हाँ, आप लोग बाहर तो जा नहीं पाते हैं तो हम कुछ अच्छा खा नहीं पाते। अच्छा अच्छा ठीक है, चाट मंगवाई। ठीक है ठीक है, मैं अपना बैग लेके अंदर जाऊंगा, जब तक तुम लोग जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। हैं ठीक है ठीक है। साले मैं तो समझता था एक नंबर के निकट्टू हूँ, इधर बिगाड़ा इधर बिगाड़ा, बहुएं भी ले आए घर में। सही करा साला, ये हमारा भाई है ना बुड्ढा, एक नंबर का चालू। माँ 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 माँ, बस तेरी माँ को मरे हुए पिछले 3 साल हो गए, किसे माँ ढूंढ रहा है तू? किसी को नहीं, पर आपका भाई आज सुबह आया था। और कहाँ गया हुआ था तू? है आपको किसने खबर दी? अबे खबर दी उल्लू के पट्टे, ये बता कि तुम लोग खबर नहीं दे सकते थे? तेरे बाप ने खबर दी कि मैं शादी कर रहा हूँ, वो तो अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया। हाँ समझे, बात तो आपने सही कही, आप सही समय पर आए क्योंकि पापा की शादी बहुत जल्दी होने वाली है। अबे बकवास कर रहा है, पापा की शादी होने वाला है, ये चक्कर क्या है? वो लड़कियाँ कह रही हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। बता दिया। क्या बता दिया? नहीं कुछ नहीं, मतलब किसी ने कुछ बताया आपको? बेटा तू जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना उसका हेडमास्टर भी क्लास लेता है मुझसे।
एक बात तो अच्छी है, बहुएं अच्छी हैं। साले तुम तो एक नंबर के निकट्टू थे, इतनी अच्छी लड़कियां कहाँ से मिल गई तुम्हें? कॉलेज से। कॉलेज से? मेरे साथ में पढ़ती थी 9th क्लास से। अच्छा, वो मोटी हो गई लेकिन मैं पतला रह गया, लेकिन कुछ भी कहो बेटा, वो मोटी हो गई बेचारी, उसने सेहत बनाई तेरी हरकतों से, तू पतला हो गया, इसीलिए कह रहा हूँ कि हरकतें सुधार ले और कुछ खा पी। और ये क्या पहलवानी वहलवानी करता है? पहलवानी करके मुझे कौन सा यहाँ का रेसलर बनना है? हाँ, रेसलर बनना, ठीक है। अच्छा ये बता, सारी बातें छोड़, शादी वादी का इंतजाम कर लिया है? नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो सही। हाँ, मैंने पिताजी से पैसे लेकर हाँ अपना मसूरी में हनीमून का पैकेज बुक कराया है। वाह बेटा वाह, तू तो एक नंबर। फार्म हाउस में एकदम गेट टुगेदर मैरिज होगी। हाँ हाँ, 500 लोगों का खाना है। हाँ, प्लस में उसके डैडी ने भी बहुत सारा इंतजाम किया है, उसके डैडी मम्मी मुझसे बहुत एकदम तैयार है, और ये समझ लीजिए आराम से रिलैक्स होकर शादी होगी। उसके बाद शादी के बाद मैं जाऊँगा हनीमून और हाँ, पिताजी रहेंगे घर पे। अबे तेरे हनुमान के चक्कर में कैसा ना हो भैया की फोटो बाहर चढ़ जाए और मैं दिन में 2 बार अगरबत्ती दिखाऊं उनको। देखिए चाचा जी, आज नहीं तो कल तो ये करना है, आप नहीं करेंगे तो हमें करना है, करना तो है ही। तू साले इतना नालायक निकलेगा, एक बाप को मानने की बात कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, अरे उनकी उम्र तो अभी पोते पोती खेलने की उम्र है। क्या कैसी बातें करते हैं, 70 से ऊपर प्लस हो चुके हैं वो। अबे ये बता कि ये साला मनुष आइडिया दिया क्या होता है पिताजी को? मनुष आइडिया हमने नहीं, तुम लोगों ने कौन सा? हमने नहीं दिया। फिर बात क्या हुई? ऐसा था कि दोनों लड़कियां बोल रही कि हम उनसे शादी करेंगे उनसे, और मेरा भाई तो पागल हो गया उन लड़कियों के चक्कर में। उसमें एक वजह थी चाचा जी, आपको सुननी पड़ेगी पूरी वजह, एक एक करके सुननी पड़ेगी। ऐसा था, एक एक रुपए के लिए हमें तरसा दिया। वो तो है, अगर 10 रुपए मांगते थे तो 1 रुपया निकल के आता था, ये समझ लिया हमारी कंडीशन ऐसे कर दी, कुत्ता ना घर का ना घाट का। बस बस हम रोटियों पर पल रहे थे, जा रहा था, हमने पूछा, मैंने एक दिन पूछा कि पिताजी ये आपकी इतनी सारी दौलत है, इसको कहाँ डालेंगे, किसके नाम करेंगे? भाई बच्चे पूछते हैं, उनको लगता है थोड़ा, तो मैंने पूछा तो हमसे डायरेक्ट बोले कि जो भी मेरे लिए नई पत्नी और अपने हम दोनों भाइयों से जो भी अपने लिए नई माँ लेके आएगा, ये सारी दौलत उसी के नाम होगी, तो बताइए हम क्या करते हैं? तेरी की साला, आप समझ में आया? तो तुम लोग भी अपने बाप के बाप निकले हैं। ऐसा आइडिया मारा तुमने कि मेरा भैया चारों खाने चित। बिल्कुल। अरे यार कहीं ऐसा ना तुम लोगों की शादी उसके बिल्कुल ही चित हो जाए। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत कर, अबे बताएगा कौन, वो तो बस पता चल जाएगा, तू फिक्र मत कर। शाम किधर है? शाम मेरे ख्याल से पिताजी की शादी की तैयारी में लग रहा है। तू अपनी शादी की तैयारी में रख, मैं शाम को ढूंढूंगा। भेजो मुझे, ये साले मेरे भतीजे ना होते ना तो सालों के जूते मारता, लेकिन काम तो अच्छा किया सालों ने, निकट्टू सही है। पिताजी पिताजी, अरे वो झल्लर लग गए और घर में पुताई हो गई, सब काम हो चुके हैं, बस वो हलवाई को बुलाना है और खाने वाले को ऑर्डर देना है। अरे अभी कितने रुपए बचे हैं? पिताजी सुनते भी नहीं है। ये क्या है? अरे चाचा जी। ये बताइए झल्लर, ये क्या है, क्या मसला है भाई? अरे तुम्हें पता नहीं पिताजी शादी कर रहे हैं? पिताजी? हाँ। अबे उल्लू के पट्टे, मुझे राम ने सब बता दिया, तुम लोगों ने ये क्या ड्रामा लगा रखा है घर में? क्या लगा रखा है? यही ड्रामा लगा रखा है कि लड़कियों को बुला लाए घर में। अबे तुम तो अपने बाप के भी बाप निकले। एक बार बताया क्या हुआ, कॉलेज में एक लड़की थी, मैं जब अपने पिताजी के पास उसको मिलवाने ले गया ना, तो बताया बहन बना के मिलवाने ले गया था, तुम साले माँ बनवा के मिलवाने लगे, तुम भी साले पूरे तरह खानदान पे गए हो। वैसे मैं बहुत खुश हुआ यार। भांडा तुम। हाँ सुन, एक बात सुन, अबे तेरी वाली कौन सी है? मेरी वाली? हाँ मेरी वाली। अच्छा अच्छा, वो कौन, वो जिसने मुर्गी की शक्ल की, जो मुर्गी के बाल जो बांधते हैं ऊपर। चाचा जी किस किसी बात? अरे यार आजकल का जमाना चल रहा है, पता नहीं कैसे कैसी लड़कियां कैसे कैसे बाल कर लगी, लेकिन है बढ़िया। वो यहाँ की नहीं है। फिर कहाँ की है? दिल्ली की है। दिल्ली की मस्त लगती है, लाजवाब। हाँ तो सही है। अरे अरे दिल्ली का नाम मत ले यार, बड़े स्कूटर चलाए हमने वहाँ पर। हाँ मतलब ऑटो चलाते थे। अच्छा ये बता, शादी का प्लान कब कर? ये पैसे किस लिए ले रहा है? अरे पैसे, ऐसा था मैं पिताजी की शादी की तैयारी कर रहा था। अब मैं समझ गया, तूने पिताजी को झूठ बोल के पैसे लिया कि ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, सब इंतजाम करा दिया। ऐसा था, देखो अब ये बता, वो तो जा रहा मसूरी वसूरी हनीमून पर, तू किधर जा रहा है? मैं कहाँ जा पाऊंगा, पिताजी ने भांडा बोला। लेकिन मैं बताऊँ, हमें इस घर में अब सुकून है, क्योंकि पहले तो समझ लो हमारी जिंदगी सुअर जैसे होते हैं, नहीं सुअर उनसे भी बदतर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना तू आपको। मैं कहने का मतलब ये है कि देख पिताजी, इससे पहले वो सांड जग जाए
तुम लोग अपनी अपनी शादी करके निकल लो, तुम बाकी जितना बचेगा मैं समझ लूंगा। अगर मर भी गया तो फोटो पे माला चढ़ा के चार अगरबत्ती रोज दिखाऊंगा तेरे बाप को। लेकिन मेरी बात सुन, मेरा भाई जरूर है, अब क्या करूं? तो मैं तो यूएसए चला जा रहा हूं। यूएसए और क्या? अबे साले के लगेज में जाएगा, जिंदगी में पासपोर्ट की शक्ल ना देगी, यूएसए जाएगा। अबे तू ऐसे तो ऐसे वैसे जगह नहीं जा सके, तू यूएसए की बात कर रहा है? अरे यूएसए का मतलब, अरे कोई बात नहीं, हाँ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अबे तूने पासपोर्ट पे तो बन, सर सारी बात छोड़, इंग्लिश, हाँ तू सीधे जा यूके। यूके? हाँ उत्तराखंड। तो यूके का पासपोर्ट तो बनता नहीं है? उत्तराखंड चलाया, अच्छा 4,000 गाड़ी के लगेंगे, कार से सीधा जाइयो, ठीक है? और सुन बाकी पैसे का मैं इंतजाम कर दूंगा, अच्छा सा होटल वोटल लेके खूब शादी वादी कर लियो। पिताजी को कौन एडजस्ट करेगा? अरे तेरे पिताजी की तो तू फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा। तो मैं फिर आज ही लेके निकलता हूँ पूरा सामान वामान पैक करके, बस ठीक है, मैं भी बस मैं पटा लूंगा। आपका धन्यवाद, चल बेफिक्र रहे, और मैं ज्यादा गले मत मिल, तेरी चाची भी ऐसी दबाती है बाद में। चल चल निकल, अबे जा रहा हूं, चल निकल। लुके पट्टे, आज खुश तो बहुत, तुम दोनों भतीजे निकट्टू हो गई, शादी जो हो गई। हाँ मेरे भाई का, मेरे भाई का क्या होगा? भैया, अरे भैया 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 मुर्गे की शक्ल के भैया भैया। हाँ मैं कह रहा हूँ भैया, आज मैं आपके आपकी दिल की बात सारी सुन ली। हाँ। पता है क्या हुआ? हाँ। मैं भी सो रहा था तो मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब देखा? हाँ मैंने ख्वाब देखा। तूने ख्वाब देख लेता? हाँ हाँ मैंने दोनों आंखों से देखा। दोनों आंखों से? अरे सुन तो लो, ऐसा खुली या बंद से? भैया ऐसा सपना देखा मैंने, ऐसा ख्वाब देखा है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तुम्हारी फोटो पे माला चढ़ जाएगी भैया, समझे? अबे तू मेरी शादी में आया या मेरी फोटो पे माला चढ़ाने आया? सपना देखा, सपना तो सुन लो, मैंने देखा, दिल थाम लेना, कि वो तुम्हारा जो निकट्टू बेटे है ना दोनों, वो तुम्हारी दोनों को माँ माँ वो जो बोल रहे थे, एक को लेके चला गया बाहर और दूसरी को वो लेके चला गया बाहर, चेक कर लो है भी है कि नहीं। अबे क्या कह रहा है? अरे उठो तो सही, क्या कह रहा है? अभी मत मरो, देख अटैक। अरे अभी मत मरो, मरवा नहीं तूने खबर है तुझे। अरे यार अभी मत मरो भैया, अभी तो तुम्हें बच्चों की शादी में जनरेटर के पीछे नागिन डांस करना है। नागिन डांस तो वो करेंगे, कौन करेगा मेरी शादी में? अरे सुनो यार बच्चों की, मैं तो कह रहा हूँ बच्चों की भी शादी कर दो, लगन बच्चों का लगन कर दूं? हाँ और बच्चों की शादी के लिए बहू मैंने देख रखी है। तुमने देख रखी? हाँ तुमने दो शादी करी है ना, दो शादी करने के मूड में हो ना, तो भैया दो शादी जो करेंगे, अब बच्चों की शादी पहले करो उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। अच्छा हाँ चल, तुम भी तो मेरा भाई है, मिलवाऊं? मगर है तो तू बहुत खतरनाक, बड़ा कुत्ती शक्ल का है तू। हाँ ये तो हाँ। मैं आप ही पे गया पूरा, तो आप बेफिक्र रहो। मगर भाई है कुत्ता है तो क्या हुआ? हाँ जैसा भी हूँ आपका भाई हूँ, भले कि आपकी शक्ल सुअर से मिलती हो लेकिन मैं तो भाई हूँ आपका, लेकिन फिक्र मत करो। मगर छोटे सुअर तो तुम भी हो। बस कर बस कर। अच्छा एक बात बताओ, शादी जब बच्चों की शादी हो जाएगी बहुओं से नहीं मिलोगे उनकी? हाँ मिलूंगा। अच्छा अरे राम, ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, इधर आ जा। राम की बहू, देखो ये राम आ गया, देखो ये आ गया है, ऐसे डर डर के क्यों मिल रहा है बेटा? ये पिताजी हैं, कोई सांप पकड़ने वाला आदमी थोड़ी है, तो बस हाँ तो जो है मैं लेते हैं। अरे राम तेरी वो कहाँ है? बीवी को तो बुला। अरे तू बुला तो सही, बहू, अरे बहू, अब बहू आने वाली है ना, ठीक है वाली है? आशीर्वाद देना। अच्छा और आंख बंद करके आशीर्वाद देना। अच्छा बहू, ओ बहू, ये राम की बहू। हाँ चक्कर आ रहे। अरे रुक जा, चक्कर मत गा, अभी मत मरो, अभी तो तुम्हें और मरने के और ख्वाब देखने हैं। और ख्वाब देखना? हाँ ये जो है राम की बहू। अब पता है भैया तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारे बच्चों, तुम तो अपने बच्चों को सुधार नहीं पाए, लेकिन तुम्हें सुधारने के लिए इन छोटे से बच्चों ने नाटक करा है। और वो छोटी वाली है ना, छोटी वाली वो उसकी है। हाँ और तुम्हारे हाथ में सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू, उसके अलावा कुछ नहीं, तुम बन गए उल्लू। हाँ अब भैया देखो भाई, अब इनको चुपचाप से पैसे दो ताकि ये अपने अपने हनीमून पे जाएं, जितने भी पैसे दिए वो तो रख लिए, और पैसे दें ठीक है? और दूं? जा भाई पैसे दो, निकाल के लाओ, चलो निकाल के लाओ पैसे, कम से कम 2,00,000 रुपए लगाएंगे। थैंक यू चाचा जी। हाँ जीत रहो बच्चों, मेरी तो खुशी में आपकी खुशी है। हाँ जीत रहो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुश। एक मिनट बैक क्या रहो,
भैया ऐसे शादी के मौके पे अशुभ अशुभ रोके ये लो बेटा ये बताओ इतना अशुभ काम कर हाँ ठीक है दो लाख रुपए में और सुनो बेटा कल तुम्हारे नाम आधी जायदाद भी करने वाले हैं है जायदाद हाँ यार अरे बच्चों का ही तो है तुम्हारा क्या आधी जायदाद तुम्हारा क्या कल को मर गए नहीं आशीर्वाद आशीर्वाद जी तरह जी तरह हनीमून पे जा रहे हैं जा 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 पिताजी हनीमून पे जा रहे हो बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो आपको दादाजी बनाए थे तुम फिक्र मत करो अरे वहां से लौट के नहीं आप दादा बन जाओ हां हां चलो हां देखो हां दादा बनोगे हां तुम दादा बनोगे अच्छा समझे शाम ओ शाम अरे हां चाचा जी आ जा बहू कहां तेरी अरे आ अच्छा अच्छा देख पैर छुआ शादी कर रहे तो बड़ी मुँह दे रहे हैं अरे बच्चों की शादी हो रही है इनको आशीर्वाद दो दे पर दिया, दे दिया। अरे ऐसे थोड़ी आशीर्वाद दो ले गया उनके लिए पैसे हाँ ले गया लेके आ ले बस बस तुम दोनों खुश रहो बस शादी मेरी हो रही थी जिस ये शगुन मत क्या कराए बस शगुन मत पिलाओ शगुन मत पिलाओ देखो चाचा बच्चों के हाँ मैं हाँ तो मैं कह रहा हूँ लो बेटा खूब जाके ऐश करो और खूब घूमो अच्छी जगह जाना और भूलना मत पिताजी को नहीं 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 भूलेंगे नहीं जब भी याद करो तो पिताजी को याद करना बिल्कुल बिल्कुल एक बार आशीर्वाद दिलवा मैं तो कर रहा हूँ कोई आशीर्वाद लो सदा सुखी रहो और हाँ सुनो जा तो रहे हो सुनो मेरे भैया बहुत दानी आदमी है रास्ते में कोई भी कुत्ता जानवर मिलता रहा उसको पैसे देते रहना भैया के नाम देते रहना और दो चार गधे मिले तो उनको पूरे पैसे खर्च करियो अरे अब्बा का माल है हाँ अब्बा का माल है और सुनो बेटा एक काम और करना कल को ये रहे ना रहे कोई पता ना तो इनका क्या शराब के पैसे बचा के रखना।